नमस्कार। कल देवेंद्र सेहरावत जी ने एक आरोप लगाया, उस आरोप के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज तक आरोपों पर क्या सच निकला है ये आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया मेरे खिलाफ कि मैंने कोई बीपीएल कार्ड बनवा के रखा है, और तब मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को उदाहरण स्थापित करना चाहिए, अगर मैंने बीपीएल कार्ड बनवाया तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। दूसरा प्रकरण हुआ आसिफ मोहम्मद खान, जो कांग्रेस का एक पूर्व एमएलए है, उसने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि मैंने उसको करोड़ों रुपए और मंत्री पद देने की पेशकश की। मैंने उस समय भी मीडिया के सामने आके तुरंत कहा कि अगर उसका आरोप सही साबित हो जाएगा तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन तक मीडिया कर्मियों ने उस खबर को प्रमुखता से चलाया, उस पर डिबेट रखी, उस पर चर्चा रखी। 4 दिन बाद वो खबर झूठी निकली, और वो बात भी एक जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि कम से कम उस झूठी खबर के लिए माफी मांगनी चाहिए थी देश के लोगों से कि आप लोगों ने झूठी खबर चलाई आसिफ मोहम्मद खान की, आप उसको भी नहीं किया आपने, वो खबर भी आपने चलाई। अभी 3-4 दिन पहले पंजाब के एक नेता एचएस किंगरा ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि 5 लाख रुपए मैंने सुरेंद्र अरोड़ा से रैली के नाम पे लिए और वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए। सुरेंद्र अरोड़ा ने बयान दिया मैंने संजय सिंह को एक भी पैसा नहीं दिया। सुरेंद्र अरोड़ा ने बयान दिया मैं किंगरा के खिलाफ ऐसा कहने के लिए डिफेमेशन का केस करूंगा। इसके बाद खबर क्या बचती है मुझे आप बताइए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस खबर को चलाया। आज 4थी बार फिर से एक बार निराधार, बेबुनियाद, बगैर तथ्य के, बगैर प्रमाण के, बगैर सबूत के देवेंद्र सेहरावत एक आरोप लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है पंजाब में टिकट देने के नाम पर। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन देश का 4था स्तंभ मीडिया, माफ कीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन सुबह से चला रहा है। इसका मतलब आपकी देश और समाज के प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म होती जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी निराधार आरोप आपको मिलता है आप उसको टीवी पे चलाने लगते हैं। देवेंद्र सेहरावत ने 3 बार चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी से, एक बार नहीं, विधानसभा का 2013 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, फिर लोकसभा का 2014 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, फिर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। मैं पूछना चाहता हूं देवेंद्र सेहरावत के अंदर अगर जरा सी भी नैतिकता है वो सामने आके बताएं, ये 3 टिकट जब उनको दिए गए आम आदमी पार्टी की ओर से उन्होंने पार्टी को क्या फेवर दिया, क्या फेवर दिया, क्या लाभ पहुंचाया पार्टी को? ऐसे आरोप, बेबुनियाद आरोप। आप पंजाब की बेटियों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगाते, आप पंजाब के लोगों को शर्मिंदा करते हैं ऐसे आरोप लगाते। मुझे लगता है पंजाब के लोग इस हकीकत और इस साजिश को समझ रहे हैं कि किस तरह से पंजाब के मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी होती है तो दिल्ली का विधायक नरेश यादव गिरफ्तार किया जाता है, और आज एक झूठा बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए दिल्ली के विधायक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का मिला जुला खेल है, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं इस बात को लेके कि आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें पंजाब में पा रही है, पंजाब में जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी है, बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, इसलिए बौखला कर अनाप शनाप निराधार बेबुनियाद आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देवेंद्र सेहरावत की कोई खबर चला रहे हैं तो उसकी सत्यता को जांच लीजिए, उससे सबूत ले लीजिए, उससे कुछ तथ्य और प्रमाण ले लीजिए,
और अगर आपको कोई सबूत और तथ्य प्रमाण मिल जाए तो जो मेरी पहले की घोषणा है मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, हालांकि मुझे मालूम है इस बात का कोई असर आप लोगों पे नहीं होना है, मैं राजनीतिक जीवन से, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सार्वजनिक जीवन में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इन 4 सालों में बहुत सारे आरोप ऐसे लगे और हर आरोप से निखर के निकला हूं। मेरी सच्चाई आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि आप हमारे घर पे भी आते हैं जहां सोफा नहीं है, जमीन पे आपको बैठना पड़ता है। आप मेरी सच्चाई को जानते हैं, मैंने 16 साल सुल्तानपुर में फुटपाथ के लोगों की लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है। आप ये भी जानते हैं कि देश में जब भी कभी कोई आपदा आई है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, नेपाल में हो, उत्तराखंड में हो, भुज में हो, मैंने जाकर लोगों की सेवा करने का काम किया है। आज उसी सेवा की भावना से इस आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं। लेकिन इस प्रकार से रोज चीथड़े उड़ाना, रोज धज्जियां उड़ाना, रोज निराधार आरोप लगाना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जहां तक देवेंद्र सहरावत का सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे चरित्र से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल पंजाब की महिलाओं को, पंजाब के लोगों को शर्मसार कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, उनको कोर्ट में लाऊंगा और उनको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सच बताना होगा। मुझे लगता है कि ये राजनीति में घटियेपन की पराकाष्ठा है, ये राजनीति में अपने किसी गुस्से और किसी आरोप को लगाने के लिए तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद बातें करके किसी का चरित्र हनन, किसी का मान मर्दन करने की पराकाष्ठा है।